हेलो बच्चों, पीजीपीएस ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है। मैं गायत्री राजन आपको हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 9 कब आऊँ पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए पाठ पढ़ते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा पीला सफ़ेद लाल नारंगी नीला आसमानी काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। बच्चों, हमारी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।